मांगकर मकान मालिक को खुदकुशी के लिए मजबूर करने वाले किराएदार के खिलाफ जरीपटका पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कस्तूरबा नगर निवासी मुकेश कुमार रेजवानी से आरोपी राजेश नामोमल सेतिया ने दो कमरे 5 माह के लिए किराए पर मांगे थे। सेतिया किराए देने में भी आनाकानी करने लगा। रेजवानी ने घर खाली करने को कहा तो धमकाने लगा। रेजवानी ने खुदकुशी से पहले वीडियो भी बनाया था। रेजवानी की नाश्ते की दुकान है, उन्हें 10 सितंबर 2019 को दुकान का मीटर जला हुआ नजर आया। रेजवानी ने सेतिया के बड़े भाई से इसकी शिकायत की। इसके बाद से सेतिया रेजवानी से दुकान खाली करने के बदले में 10 लाख का हफ्ता मांगने लगा। रेजवानी ने सेतिया को 60,000 रुपये दिए। इसके बाद भी सेतिया 4,50,000 रुपये मांगने लगा। सेतिया बंधुओं की करतूत से रेजवानी काफी समय से परेशान चल रहे थे। आखिरकार 6 अक्टूबर को रेजवानी ने फांसी लगाकर जान दे दी। उन्होंने सुसाइड नोट में सेतिया बंधु की यातनाओं से त्रस्त होकर खुदकुशी किए जाने का उल्लेख किया। इसमें भी आरोपियों की प्रताड़ना का उल्लेख किया था। मैं मुकेश कुमार रेजवानी, राजा सेतिया, नामोमल सेतिया का बेटा, मूलचंद नामोमल सेतिया, दोनों भाई मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं उन दोनों की वजह से परेशान होकर मैं सुसाइड कर रहा हूँ। मेरे सुसाइड के जिम्मेदार वो दोनों भाई रहेंगे, जिनके नाम मैंने ये सुसाइड लेटर लिखा है। मेरे मौत के जिम्मेदार वही है जो राजा नामोमल सेतिया मनीष मेडिकल के बाजू में धर्मू के मकान में रहता है, और मूलचंद नामोमल सेतिया नीलमणि अपार्टमेंट सत्यम शिवम सुंदरम अपार्टमेंट के बाजू में रहता है। वो सेतिया चौक का माता मंदिर चलाता है। मेरे मौत के जिम्मेदार वो दोनों भाई हैं। जिन्होंने सुसाइड किया है वो मेरे सबसे बड़े जेठ हैं। उनका नाम मुकेश श्रीचंद रिजवानी था। और ये जो घटना शुरू हुई थी, जब से हमने गंगू ब्रोकर के बोलने पर उनके द्वारा ये किराएदार आए थे, जिसका नाम है राजा, उनका निकनेम है राजेश नामोमल सेतिया उनका नाम है, और ये गंगू ब्रोकर उनको लेकर आए थे हमारे पास कि इनको किराए से घर चाहिए, और हम लोग किराए से घर देने वाले थे। तो लेकिन मेरे भैया ने जैसे थोड़ी बहुत जांच करवाई थी तो पता चला था कि ये जो राजा सेतिया है वो कुछ खास उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगा था। तो बोलो बोलो। तो उन्होंने कहा था कि जो उसके दो भाई हैं, एक का नाम है पालू सेतिया और दूसरे का नाम है मूलचंद सेतिया, मूलचंद नामोमल सेतिया। इन दोनों भाइयों में से अगर कोई एक गारंटी लेता है कि हाँ मेरे भाई को दो तो मैं दूंगा, तो मूलचंद जो सेतिया थे वो आए थे मेरे भाई के पास एडवांस के 15,000 रुपये लेकर, और उनके बोलने पर ही ये घर दिया गया था। पोलीस स्टेशन जरीपट का इथे अपराध क्रमांक 346/21/306/384/587/504/506 प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे। यामध्ये मृतक जो आहे मुकेश श्रीचंद रिजवानी, वय 46 वर्ष, हा कस्तुरबा नगरमध्ये राहणारा निवासी आहे। याच्या घरामध्ये भाडेकरू राहत होता 2019 पासून। आरोपीचं नाव आहे राजेश नामोमल सेतिया आणि मूलचंद नामोमल सेतिया, दोघे भाऊ आहेत। त्यापैकी राजेश हा जो आहे हा मृतकाच्या घरात भाड्याने 2019 पासून राहत होता, आणि त्याने वेळोवेळी भाडं दिलं नाही, त्यामुळं मृतकाने त्याच्याकडे मागणी केलेली होती। परंतु उलट मृतकालाच धमक्या देऊन की तुला जीवे मारीन, घर खाली करणार नाही, त्याच्या दुकानात जाऊन त्याला त्रास दिलेला आहे, आणि मृतकाकडेच पैशाची मागणी केलेली आहे। त्यावरून हा गुन्हा मृतकाने दिनांक 6/10 आत्महत्या केलेली आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।